नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं शिखा शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान से अलवर में भीड़ तंत्र का दिखा कहर। गौ तस्करी के आरोप में शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। राजस्थान के अलवर में आपको बता दें, एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उस पर गौ तस्करी का आरोप था। रामगढ़ थाना क्षेत्र के लालवंडी गांव की एक घटना है। हरियाणा के कोलगांव का रहने वाला ये मृतक है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान से अलवर में भीड़ तंत्र का कहर दिखा। गौ तस्करी का आरोप था उस पर और शख्स को पीट पीट कर मार डाला, हत्या कर दी गई। रामगढ़ थाना क्षेत्र के लालवंडी गांव की एक घटना है और मृतक जो है वो हरियाणा के कोलगांव का रहने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के अलवर से, जहां पर एक गौ तस्कर के आरोपी को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। इस वक्त की बड़ी खबर, रामगढ़ थाना क्षेत्र के लालवंडी गांव की ये घटना है। आपको बता दें कि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं और एक बार फिर से गौ तस्कर के आरोपी को पीट पीट कर भीड़ ने मार डाला। रामगढ़ थाना क्षेत्र के लालवंडी गांव की घटना है ये, और जो मृतक है वो हरियाणा के कोलगांव का रहने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के अलवर से, जहां पर गौ तस्कर के एक आरोपी को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। रामगढ़ थाना क्षेत्र के लालवंडी गांव की एक घटना है। हरियाणा के कोलगांव का रहने वाला है ये मृतक। राजस्थान के अलवर की घटना है, जहां पर एक गौ तस्कर के आरोपी को भीड़ ने मिलकर पीट पीट कर मार डाला। कई बार इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं, मुद्दे उठते रहे हैं, लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर से राजस्थान के अलवर में यही बात सामने आई है। गौ तस्करी के आरोपी को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, मौत के घाट उतार दिया। रामगढ़ थाना क्षेत्र के लालवंडी गांव की ये घटना है। हरियाणा के कोलगांव का रहने वाला है ये मृतक था। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के अलवर से, जहां पर एक गौ तस्कर के आरोपी को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला।